सो वेल गाइस, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, रैपर, कवर सिंगर या फिर आप है एक ऑनलाइन स्ट्रीमर, कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर या फिर गेमर, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी वोकल डबिंग्स, वोकल रिकॉर्डिंग या फिर जो आप वोकल स्ट्रीम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को प्रो लेवल पे लेकर जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं विद दिस न्यू प्रोडक्ट जो कि है फ्रॉम JBL कमर्शियल CSUM 10 कॉम्पैक्ट कंडेंसर माइक्रोफोन है ये। और आज हम करने वाली है इसकी अनबॉक्सिंग, देन वी विल डू अ फीचर रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम करने वाले हैं इसका एक वोकल सैंपल टेस्ट। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। इससे वॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एक USB कंडेंसर माइक्रोफोन है, जिसका मतलब ये कि आप इसे बहुत सारे डिवाइसेस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको USB की फैसिलिटी मिलती है, जहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ दूसरी बात, दिस इज़ फ्रॉम JBL कमर्शियल, जो कि अपने आप में काफ़ी रेनाउंड ब्रांड है। हम सब इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वी नो अबाउट द ब्रांड, सो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसे ले सकते हैं। यही तो एक फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आई बॉट दिस माइक लाइक 10 days बैक, और पिछले 10 दिनों से ये माइक्रोफोन मेरे पास है। काफ़ी सारी टेस्टिंग मैंने इस पर किया, काफ़ी सारी वोकल डबिंग्स मैंने इस पर किया, मैंने इस पर इंस्ट्रूमेंट्स डब किए हैं, और फाइनली मुझे लगा कि 10 दिन के यूज़ के बाद नाउ आई एम रेडी टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स इज ऑलरेडी ओपन, बट आप लोगों को रिव्यू करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी इसको बंद करके रखा है, सो दैट वी हैव अ फ्रेश बॉक्स विथ अस, और सब कुछ हम बताते हैं अनबॉक्सिंग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ बहुत ही ब्राइट, बहुत ही वाइब्रेंट कलर का बॉक्स है, जो जिसका कि कलर, अगर आप देखें कलर पैलेट जो इसमें यूज़ किया गया है वो है वाइट एंड ऑरेंज, एस JBL कमर्शियल का अगर आप जो लोगो देखते हैं सेम कलर पैलेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट की अनपैकेजिंग करते हैं, बॉक्स की अनपैकेजिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूज़र गाइड। यस गाइस, दिस इज़ यूज़र गाइड जो आपके काम की नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी आपको मैं सारे के सारे फीचर्स इस वीडियो में आपको अपडेट करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से पैक्ड होकर आता है प्रोडक्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको पैक किया हुआ है। और जैसे ही हम अपना प्रोडक्ट खोलते हैं, वाओ, सो जैसे ही हम अपना प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपके सामने है ये बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला CSUM 10 USB कंडेंसर माइक्रोफोन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट है यार, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिल्ट की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट है इसकी, और साथ ही साथ मेटलिक बॉडी है, काफ़ी स्टडी है, स्टैंड के साथ तो काफ़ी ज़्यादा वेट लगता है इसकी बॉडी में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टडी और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, सिलिका जेल, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर आपको साथ में मिलता है एक अडेप्टर, जिसके थ्रू आप इसे नॉर्मल माइक स्टैंड्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक USB कनेक्टिंग केबल, हेयर इट इज़, जिसकी थ्रू हम इसे इजीली अपने लैपटॉप या फिर PC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ और देखते हैं इसके फीचर्स। सो वेल गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने USB कंडेंसर माइक्रोफोन को कनेक्ट कर दिया है विद माय लैपटॉप। और अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की, जो इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो जैसे ही आप इसे कनेक्ट करते हैं विद द USB-C केबल, अगर आप नीचे वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट मिल जाता है जो कि कनेक्टिंग पोर्ट है, आप इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं। बीच में आपको जो स्क्रू और अडेप्टर की मैंने आपसे बात की थी कि जिसके थ्रू आप इसे किसी भी माइक स्टैंड पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका एक पोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हेडफोन जैक, जहाँ पर आप अपना 3.5 mm का कोई भी हेडफोन लगा सकते हैं रियल टाइम अपनी वॉइस को मॉनिटर करने के लिए। अच्छा गाइज, ये बहुत मेजर इशू रहा है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि जब हम अपनी डबिंग करते हैं तो उस टाइम हमें अपनी रियल वॉइस, हम क्या कर रहे हैं रियल टाइम पे, हम चेकआउट नहीं कर पाते हैं, मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस तरीके का गेन रखना है और हमें किस तरह से अपनी वोकल्स को मॉनिटर करना है। तो ये जो फीचर्स है जिसमें कि आप हेडफोन आप इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो रियल टाइम में आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी वोकल को, तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद और काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज़,
साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इसके पोलर पैटर्न्स की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो इसमें आपको दो पोलर पैटर्न के बीच में आप स्विच कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमने जो सिलेक्ट कर रखा है वो कर रखा है कैडरियट पोलर पैटर्न में, जिसका मतलब ये है कि जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ सामने से जो मैं इसके बता रहा हूँ, सामने से जो मैं इसके डबिंग कर रहा हूँ, सिर्फ ये वो फ्रिक्वेंसीज लेगा, साइड की पीछे की और बैक साइड की कोई फ्रिक्वेंसीज ये कैप्चर नहीं करता है। और अगर हम इसे स्विच करते हैं अपने ओमनी पैटर्न पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब नाउ इट्स ऑन ओमनी पैटर्न, तो जैसे हम पोलर पैटर्न अपना स्विच करते हैं तो ये आसपास की सराउंडिंग की हर डायरेक्शन से इक्वली ही वोकल सैंपल्स लेता है। ये तब हेल्पफुल है अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आपके पास दो तीन लोग हैं और आप दो तीन लोग इकट्ठे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप ये तब हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप ड्यूएट सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें दो सिंगर हैं तो दोनों सिंगर्स इसमें इजीली से डबिंग कर सकते हैं। सो वेल गाइज, अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको दो नॉब्स मिलती है देखने के लिए। जो फर्स्ट नॉब है उसके थ्रू आप अपने माइक का गेन लेवल सेट कर सकते हैं, आपको कितना रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। हेडफोन, जैसे कि हमने नीचे चेक किया अभी, देखा हमने कि हेडफोन यहाँ पर लगा हुआ है, तो हेडफोन का वॉल्यूम लेवल आपको कितना रखना है आप वो सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक म्यूट बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप अपनी वोकल को म्यूट कर सकते हैं। तो गाइस अब सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं कि किस तरह से ये रिकॉर्डिंग में इफेक्टिव और कितनी अच्छी तरीके से ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो लेट्स डू सम रिकॉर्डिंग विद दिस माइक। सो गाइस, जिस तरह से कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वोकल्स यहाँ पर हमारी कैप्चर हो रही है। अगर मैं माइक के गेन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा गेन लेवल बढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब अगर हम स्विच करते हैं ओमनी से कैडरियट पैटर्न पे, तो अब अगर आप देखेंगे तो वोकल्स जितनी भी आपको आएगी वो इस तरह से आएगी कि सिर्फ सामने की वोकल फ्रिक्वेंसीज ये कैप्चर करेगा और हमारी जो सराउंडिंग की फ्रिक्वेंसीज है उन्हें कैप्चर नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं म्यूट बटन की। ऐसा कई बार होता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आप जूम कॉल पे हैं या फिर आप स्ट्रीम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं और आपको म्यूट पे जाना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे ही आप म्यूट बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं आप म्यूट पे चले जाते हैं। सी, जैसे ही हमने म्यूट बटन प्रेस किया वैसे ही यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज इन्होंने कैप्चर करनी बंद कर दिया माइक्रोफोन ने। और गाइस, जैसे ही हम अपना म्यूट बटन प्रेस करते हैं वैसे ही इसमें एक LED इंडिकेटर है रेड कलर का, वो एक्टिव हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा माइक्रोफोन इस टाइम म्यूट मोड पे है। तो काफ़ी इजी हो जाता है इसका म्यूट मोड यूज़ करना। अब गाइस कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग करके देखें, अपने रैप सॉन्ग की कुछ रिकॉर्डिंग करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटकम कैसा आता है। तो दो चार लाइनें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट इसके वोकल टेस्ट सैम्पलिंग के लिए। आई क्विट, सोचा छोड़ दूं मैं सपने, कल थे जो दूर आज लगते हैं अपने, हाथों की लकीरों से भरोसा लगा उठने, तब मेरा साया भी खुद मुझ पे लगे हंसने, ना ना। सो वेल गाइस, मुझे तो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मैंने एक दो बार रिकॉर्डिंग को सुना है और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ आई है वो ये है कि जिस तरह से बैलेंस फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करता है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है, और साथ ही साथ जिस तरह से इसकी इनबिल्ट जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम है, जो माइक्रोफोन्स में बहुत मेजर इशू होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। जो टेक्सचर या आपका वोकल टेक्सचर या आपको निकाल कर देता है, जिस तरह को कैप्चर करता है, तो वोकल टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, जो कि नॉर्मल आपके जो माइक्रोफोन्स होते हैं उसके अंदर वोकल टेक्सचर आपको एडिटिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव करना पड़ता है, बट यहाँ पर इन दिस केस वोकल टेक्सचर जो ये प्रोड्यूस करके हमें देता है वो काफ़ी बेहतरीन है। ओवरऑल मुझे रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आई एम श्योर कि इसमें आपको रिकॉर्डिंग, अगर आप अपने वोकल रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द लुक ऑफ द माइक्रोफोन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 14mm के मैश ग्रिल वाला जो इसका कैप्सूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। बॉडी पूरी इसकी स्टडी है, काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट मेटल से बनी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है। वेट है इस माइक्रोफोन में, जब इसके स्टैंड के साथ आप इसे लगाते हो कनेक्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा वेट है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है आपको रिकॉर्डिंग में। लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मैट ब्लैक प्रीमियम पेंट का यूज़ किया गया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिच लुक लगती है माइक्रोफोन की, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक लगती है। जब आप माइक्रोफोन को अपने हाथ में भी लेते हैं तो आपको वो फील आता है कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट को आप हैंडल कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में। गाइस, 10 दिन पहले जब मैंने प्रोडक्ट लिया था तो मैंने लिया था अमेज़न से। अगर आप इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक, और आप अमेज़न पर जाकर प्रोडक्ट की
स्पेसिफिकेशंस और बाकी सारी डिटेलिंग्स आप चेक कर सकते हैं। प्राइस जो मुझे पड़ा था इस प्रोडक्ट का वो था 5999, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 6000 के आसपास का ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था। बट यस, इट्स कम्प्लीटली वर्थ द प्राइस। प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको डाउट्स है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रिप्लाई टू द कमेंट्स। 100% कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी है प्रोडक्ट को लेकर, तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर कि आपको आज का प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा, आपको एपिसोड काफी ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। किसी एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको इस तरह के किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। इट्स अ बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड पीस।